हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई हैं। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। अभी तो विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया साहब, अभी तो हमारे विधायक दल की बैठक है, आप इसकी चिंता छोड़िए। जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद उससे बात करना फिर। बिल्कुल जाएंगे। देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी की नीतियों का जो लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के ऊपर ही, उनकी गारंटी के ऊपर ही विश्वास देश के लोग कर रहे हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ वहां भी बन रही है, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोल करके, लोगों के अंदर दुष्प्रचार करके गुमराह करने का काम करती है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो नकाब उतर चुका है कि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, बिना झूठ के झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और यही कारण है कि देश के लोग आज मोदी जी से स्नेह और प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बना रहे हैं, झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा आयोजन होगा सर। बस हो गया, हाँ दे रहे हैं निमंत्रण। हाँ बिल्कुल, सभी को हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष, हमारे सभी विपक्ष के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वयं फोन करके वो दे रहे हैं और उन सब का आशीर्वाद मिलेगा, वो जरूर आएंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।